अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मिसेस फरीन डेली ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे या हम भी ठीक हैं, क्योंकि आज हम सब उठ चुके हैं। रेहान भी उठ गए हैं आज, शकील भी, दोनों साथ उठ गए हैं, नाश्ता कर रहे हैं। नहीं करना क्योंकि नाश्ता कर रहे हैं। चलें, अभी दोनों उठ चुके हैं, कर रहे हैं नाश्ता। उम्मुल खैर अभी सो रही हैं। आज शकील को जल्दी जाना है इसलिए शकील उठ गए हैं जल्दी और कर रहे हैं नाश्ता। शकील और रियान भी जल्दी जल्दी करेंगे। रियान चलो बेटा जल्दी जल्दी नाश्ता करो, आपका टाइम हो रहा है। रियान को जाना है स्कूल और शकील को जाना है काम से अपने, है ना शकील? चलें सही है, करें नाश्ता। यहाँ ये नाश्ता कर रहे हैं, चाय और पराठा। अक्सर ये लोग यही खाते हैं, चाय पराठा रात में। हालांकि डबल रोटी पापे वगैरह मैं कहती हूँ, कभी किसी दिन ये वो भी कर लिया करें, पर इनको करना नहीं है। कहते नहीं वो बीमारों का नाश्ता हम नहीं करते, शकील बोलते हैं। बल्कि वो कहते हैं बीमार भी हूँ ना मैं यही नहीं खाऊँ, डबल रोटी और पापे। चलिए जी अब करते हैं हम लोग नाश्ता। शुक्र आप आराम आराम से सलाम करो। रयान सलाम भी करा करो बेटा। वालेकुम सलाम। आज जब रयान स्कूल से आ गए। वालेकुम सलाम। सॉरी 12 बजे लाइट आएगी, अभी कपड़े इस्त्री करने ना। हाँ जाओ, आई नहीं बोलते बुरी जात। चलो अल्लाह हाफिज़। जा रही हो मदरसा? मतलब जाइए। चल चाबी लिया आपने? नहीं। चलो चाबी लो। छुट्टी तो नहीं है ना, पूछ के आए हो ना, तो फिर क्यों? नया नमाज़ पढ़ के आ गए हैं, उम्र खाई भी नहा धो के मदरसे जा रही हैं। सही है, जान दो, हटो, रास्ता दो उसको, रास्ता दो। जाइए जाइए। रयान नहीं उसे तंग करो। चलो ये जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे पढ़ के आ चुके हैं, ये बच्चे पढ़ के आ चुके हैं, अब खा रहे हैं चीज़, और अब खा चीज़ खा के अब जाएंगे ये ट्यूशन। ट्यूशन मदरसे तो पढ़ के आ गए, अब ट्यूशन जाना है। बाल सही करो रयान, आपने टोपी उतारी है ना। और शकील आके अभी आराम कर रहे हैं, खाना वाना खा के, खाना वाना खा के आराम कर रहे थे। और शकील लेट आ गए थे अभी, हैं अभी दुलदुली आ रहे थे। दुलदुली क्या? वीडियो दुलदुली आ रही थी अभी। अच्छा 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 ठीक। तो बस क्या कहते हैं, मैंने भी नमाज वगैरह पढ़ ली है, अब इन लोगों को ट्यूशन छोड़ के आऊँगी। 4 बजने वाले हैं, बल्कि 4 बज गए हैं, बस अब जाती हूँ इन लोगों को। जी बच्चे रेडी हो चुके हैं। अमन खा, उम्र खा सब्र करो, आराम आराम से सलवार ऊँचे करो रियान। चलें जी ट्यूशन के लिए तैयार हैं। रयान रयान पीछे शर्ट सही करो, पीछे से, हाँ आप करो सर। चलिए आराम से रयान। चलिए 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 चलावा दरवाजा। अच्छा ठीक, आ गई हूँ मैं घर और मार्केट से लेके आई हूँ। कहाँ जगह कहाँ चले गए? कुंडी लगा के बाथरूम में आएगा। और मैं आ गई और मैं लेके आई हूँ बाज़ार से चावल लेके आई हूँ और आलू और मटर। मटर लेके आई हूँ, ये मटर तो नज़र भी नहीं आ रही कहाँ है। ये मटर इतनी सी मटर। चलिए मटर पुलाव बनता है आज, आज सोच रहे हैं मटर पुलाव बनाने की, मटर पुलाव बनाते हैं। अच्छा जी यहाँ आ गए अहमद, ये लो अहमद चाबी। तुमने आ रहे ऊपर आ जाओ। अच्छा
अच्छा इसके साथ ही आओ गाड़ी, ये भी ले आओ, हेलमेट भी ले आओ, लॉक ना हो जाए ना इसलिए बोलूँ, साथ में आ जाओ, आ जाओ। अहमद मामू आए, वालेकुम सलाम, बैठो बैठो। अच्छा जी ये शॉपर आप ही ने भेजा है, देखते हैं क्या। बैठो, मैं ट्यूशन से आई हूँ, मम्मा के साथ हाथ बटा रही हैं, मटर छिलवा रही हैं, काम करवा रही हैं। आप क्या कर रहे हो आप? हाँ रियान भी काम करवा रहे हैं, मैंने रियान से कहा रियान बड़े कपड़े समेट के शॉपर में रख दो, रियान भी शॉपर में कपड़े रख रहे हैं, मम्मा का दोनों काम करवाते हैं, हाथ बटाते हैं, और ये फैलावा भी रियान ने ही किया बस ट्रेन का। चलो रे मुर्खा जल्दी आप ये छीलो, सही है, थोड़े से मटर हैं जल्दी से छील दो, सही है, फिर मैं खाना बनाती हूँ। मुर्खा ने छील लिए मटर, मैंने यहाँ मटर पुलाव बना रही हूँ, ये चढ़ा दिया है, और ये मैंने कैसे चढ़ाया है, प्याज ब्राउन करके, पिंक करके, सब ब्राउन करके, और इसके अंदर मैंने ये गरम मसाला डाला, जो गरम मसाला कैसा होता है, काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी और ज़ीरा वगैरह डाल के, फिर टमाटर, हरी मिर्चें और नमक, कुटी मिर्च डाली, पिसी नहीं डाली मैंने, कुटी मिर्च डाली, आप पिसी भी यूज़ करना चाहे पिसी भी कर लें, डाल के इनको भून के फिर आलू डाल दिए, बस आलू और मटर डाल दिए, अब ये गल रहे हैं, बस ये आलू और मटर गल जाएंगे तो मैं इनके ऊपर मैं चावल डालती हूँ, मैं निकालती हूँ चावल, इतने मुझे चावल चाहिए यूज़ करने के लिए, तो बस अब ये चावल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी थोड़ा सा डाल दिया चावलों में, और चावल निकाल लिए, साफ कर लिए, मैं पानी डाल दी थी कपड़े दिखा दी, थोड़े थोड़े मैंने चावल को नहीं होते, क्योंकि मैं इनको हल जब तक मैं वॉश करूँगी तेरे में मेरे आलू आलू थोड़े गल जाएंगे, फिर मैं चावल डाल दूँगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी पूरी रेसिपी बताऊँगी सही से, अभी फ़िलहाल मैं बड़ी बहुत जल्दी में थी इसलिए मैंने ऐसे ही आप लोगों को बता दिया, क्योंकि गैस का मसला होता है ना, तो गैस की वजह से मैंने कहा चलें अभी ऐसे ही बता देते हैं, नेक्स्ट टाइम अगर बनाऊँगी ना ये चावल बनाऊँगी मैं बताऊँगी लाजमी आप लोगों को, शेयर करूँगी आप लोगों से। बस अभी ये चावल धोती हूँ अच्छी तरह वॉश करके, अच्छी तरह धो वॉश कर लेती हूँ चावलों को, देख लीजिए बच्चों को क्या कर रहे हैं, रूम में लाइट जा चुकी है, वहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, कहाँ हो दोनों, ये क्या हो रहा है यार, जल्दी से उतरो नीचे, उतरो तंग नहीं करो मम्मा को, जल्दी से उतरो, शाबाश उतरो, ये क्या कर रहा है ना आप लोगों ने फैलावा ना, अगर आपको आ रही है तो बेटा नोजी का रुमाल ले लो ना यहाँ से, ये लो चले जी, पंखा चलाएं, गर्मी लगती है अम्मुल खैर को तो पहले ही। अच्छा जी यहाँ खाना आ चुका है, अम्मुल खैर आ जाओ बेटो, आ जाओ खाना खाओ, और मैं निकालती हूँ अपनी लिए चटनी, वैसे स्पाइसी तो बच्चे तो नहीं खाएंगे, स्पाइसी होती है, मैं तो चटनी या सलाद वगैरह प्याज वगैरह काट लेती हूँ, पर अभी नहीं सही है मुझे, सही आपकी प्लेट है, सही है, आलू आपके फिनिश करने हैं पूरे आलू भी और सब पूरे चावल भी, और ये हमारी लुक है चावलों की, ठीक है मटर पुलाव की लुक है, खा के बताते हैं कैसा बनाए, मुझे कह रियान बताओ खा के कैसा बनाए, खेल बात में करना बेटा, रखो रखो खाना खाइए, बिस्मिल्लाह पढ़िए, मुल्का है पढ़िए, बिस्मिल्लाह मुल्का है, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला, चले सही है मजे के, चलो गरम हो रहा है, अभी फूक मार के खाइएगा, ठीक है रुक जाइए ठंडा हो जाए फिर खाना एक साथ नहीं खाओ, आराम आराम से खाओ, ये लोग खाना खा के सो चुके हैं, और अब मैं लाइट गई थी, अभी अभी लाइट आई है 10 बजे, खाना खा के सोच चुके हैं, हमें लाइट वाइट बंद करके इन लोगों को लेके लेटते हैं, लेटूंगी अब मैं भी सोऊंगी, तो चल शकील का भी कहीं शकील आ जाए, शकील देखें कब तक आते हैं, मेरे ख्याल तो अभी अभी सोई है, रियान सो रहे हैं बहुत देर से, आ चुके हैं और अब खा रहे हैं खाना, खाना खा रहे हैं, खाना खा के फिर सोएंगे जाएंगे। अच्छा जी यहाँ पे हो गई है सुबह, हाँ हमारे यहाँ हमारे सबके आपने खाना ना खा लिया, शकील ने खाना खा लिया, उम्र खैर भी उठ गई हैं और रियान भी अभी उठे हैं 5 मिनट पहले, अभी सो जाएंगे, ये दोनों उठ चुके हैं, अब देखें कब सोते हैं ये लोग,
और उम्र खैर तो सो के उठ गई। शकील आए थे, खाना खाए थे, खाने के बाद उम्र खैर भी उठ नहीं है। हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, क्योंकि है ना आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके इसलिए। और आज तक के लिए बस इतना ही, ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।